Good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kotputli. आज हम sea urchin या echinus के बारे में पढ़ेंगे. ये topic second BSc second year paper first का part है. इस diagram में आप देख सकते हैं कि sea urchins are beautiful color creatures. Ever seen these small, spiny, colorful round creatures living in the depth of the ocean? ये जो spiny, colorful आप सबने देखे होंगे, ये small, spiny, colorful round creatures जो कि depth of the ocean में पाए जाते हैं. They're usually 1.2 to 3.9 inches in diameter. Body usually spines से covered होती है या एक strong shell से covered होती है. सी अर्चिन्स के करीब 200 स्पीशीज पाई गई हैं अलग अलग शेप साइज और कलर्स की. ये कुछ रेगुलर सी अर्चिन्स की पिक्चर्स हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन. इकाइनस एस्क्यूलेंटस यूरोपियन एडिबल सी अर्चिन है जिसको हम कॉमन सी अर्चिन भी कहते हैं. और इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लास इकाइनोइडिया, ऑर्डर कैमेरोडोंटा, फैमिली काइनिडी, जीनस इकाइनस, स्पीशीज एस्क्यूलेंटस. हैबिट एंड हैबिटेट. इकाइनस ज्यादातर मैराइन जगहों पर पाया जाता है, बेंथिक रीजन में. सो इट इज मैराइन एंड बेंथोनिक एनिमल. इंटरटाइडल जोन्स में पाया जाता है, करीब 5000 मीटर समुद्र की गहराई में. दे लिव इन हार्ड और रॉकी बॉटम्स. ये चट्टानों पर और हार्ड जगह पे पाए जाते हैं. ग्रेगेरियस होते हैं, दैट इज हर तरह का फूड खाते हैं जो कि अवेलेबल होता है बॉटम में. ज्यादातर ये स्लो मूविंग या सीडेंट्री होते हैं. स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं. और इकाइनस ऐसे स्लो मूविंग और सीडेंट्री एनिमल्स या स्थानबद्ध एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ इकाइनस. इकाइनस हैज अ स्फेरिकल बॉडी विद अ फ्लैटेंड ओरल सरफेस. आप सब जानते हैं इकाइनस की स्फेरिकल बॉडी होती है और ओरल सरफेस जो है इसकी फ्लैटेंड या चपटी होती है. इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी आर हाउस्ड इन अ शेल और कोरोना. जो बॉडी है उसके बाहर पूरी बाहर एक कवर कवच पाया जाता है जिसे हम कोरोना कहते हैं. कोरोना के ऊपर एक डेलिकेट और सिलिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है. कोरोना बहुत सारी प्लेट्स का बना होता है जो कि फर्मली एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं. सिर्फ दो जगह पर ये जुड़ी नहीं रहती, छिद्र पाए जाते हैं. एक तो ओरल साइड, लेदरी यानी थोड़ा सा सॉफ्ट और हार्ड चमड़े जैसा एरिया होता है. पहला एरिया है ओरल साइड जिसे हम पेरिस्टोम कहते हैं और दूसरी अबोरल साइड जिसे हम पेरीप्रॉक्ट कहते हैं. सो ओरल साइड को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोम. और जो अबोरल साइड है उसको हम कहते हैं पेरीप्रॉक्ट. माउथ जो है वो ओरल साइड पे यानी पेरिस्टोम के सेंटर पे पाया जाता है और जो एनस है वो पेरिप्रॉक्ट के सेंटर में पाई जाती है. पेरिस्टोम में 5 पेयर मॉडिफाइड ट्यूब फीट पाए जाते हैं जिन्हें हम बकल पोडिया कहते हैं. दे हैव शॉर्ट बॉडीज विद सर्कुलर डिस्क एट द टिप्स दैट एक्ट एज किमोरिसेप्टर्स. यानी ट्यूब फीट में छोटी छोटी बॉडीज पाई जाती है सर्कुलर डिस्क के रूप में जो कि केमिकल रिसेप्टर्स यानी किमोरिसेप्टर्स रासायनिक संवेदन के रूप में कार्य करती है. 5 पेयर्स ऑफ स्मॉल गिल्स पेरिस्टोमल मेम्ब्रेन से 5 जोड़ी गिल के निकलते हैं जो कि माउथ को या मुख को घेरे रहते हैं. कोरोना यानी शेल जो है उसमें 20 मेरिडोनियल रोज ऑफ पॉलीगोनल प्लेट्स पाई जाती हैं. 5 परफोरेटेड एरियाज फॉर 2 रोज ऑफ ट्यूब फीट आर क्रॉपडाइज. कोरोना में 20 तो मेरिडोनियल रोज होती हैं जो कि पॉलीगोनल प्लेट्स होती हैं और 5 एरियाज होते हैं ट्यूब फिट के. जैसा कि अब हम इस चित्र में समझते हैं, ये जो चित्र है ये हमको क्लियरली समझा रहा है कि ये अबोरल साइड है पेरिप्रॉक्ट एंड दिस इज द एनस रीजन
ये आप देख सकते हैं, ये सूचर्स हैं इसके पांच, और ये जो एनस को सराउंड कर रही है इसको एपिकल डिस्क कहते हैं। सिमिलरली ये इसका ओरल भाग है, अगेन वो पांच सूचर्स आप देख पा रहे हैं, और ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं, और ये जो पार्ट है ये माउथ है, और इसको हम, ये जो प्लेट है इसके आसपास इसको पेरिस्टोमियल प्लेट कहते हैं। इसको एनस के आसपास पाई जाने वाली को आप देखिए चपटी है, थोड़ी सी उभी हुई है और छिद्रित है, एपिकल पॉड डिस्क कहलाती है, और ये पेरिस्टोमियल प्लेट कहलाती है। लेटरल व्यू में अगर हम देखें तो ये जो है, ये जो सूचर्स हैं, जो एक ऐसा जॉइंट सा दिख रहा है, इसे एम्बुलेक्रल जोन कहते हैं, और इसमें फोर पेयर्स पाए जाते हैं, और दो एम्बुलेक्रल जोन्स के बीच का ये जो एरिया है इसे इंटर एम्बुलेक्रल जोन कहा जाता है। और ये एक आप देख सकते हैं अच्छा सा मोटा शेल या कवच एकाइनस की देह पे पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स, बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल एंड पोजेस अ फाइव फोल्ड सिमेट्री। बाय रेडियली से एरिया सिमेट्री दिखाती है, और पंच फोल्ड की सिमेट्री होती है। शेल इज बायोलॉजिकली एंड मैकेनिकली स्टेबल 3D फ्रैक्चर। इनका जो डिजाइन है वो 3D तरह होता है, और जिसे हम कहते हैं 3D फ्रैक्टल डिजाइन। बॉडी में से खूब सारे स्पाइन्स निकलते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जो कि इनको रक्षा प्रदान करते हैं, एज वेल एज फूड को इकट्ठा करने में, और अपना जब भी गति करते हैं तो उस रास्ते को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। दे हैव फाइव पेयर्स ऑफ ट्यूब फिट्स एट द बॉटम टू फैसिलिटेट एडहेशन टू रॉक्स मूवमेंट एंड हंटिंग। बॉटम पे पांच जोड़ी ट्यूब फिट पाए जाते हैं, जिससे ये चट्टानों से चिपकते हैं और भोजन के लिए गति करते हैं। बॉटम में दो ओपनिंग्स होती हैं, सॉरी, इनकी बॉडी में दो ओपनिंग्स होती हैं। बॉटम पे माउथ होता है यानी मुख, और उसके ठीक ऊपर एक और ओपनिंग होती है जिसे एनस कहते हैं। माउथ के पास पांच दांत या हॉलो टीथ पाए जाते हैं, जो कि काफी शार्प होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि पत्थर भी चबा सकते हैं, और ये टीथ इनको सतह से चिपकने में या एंकरिंग करने में भी हेल्प करते हैं। इनमें कोई आई नहीं होती यानी आंख नहीं होती, इनकी पूरी देह एक कंपाउंड आई की तरह काम करती है। होल बॉडी इज सेंसिटिव टू टच, लाइट एंड केमिकल्स यूज फॉर अवॉइडिंग CO2 कॉन्टैक्ट एंड एनहेंसिंग शेल लाइफ। इनकी बॉडी टच को सेंसिटिव होती है, लाइट और केमिकल्स को परसीव कर सकती है, एंड ज्यादातर ये CO2 से अवॉइड करते हैं कॉन्टैक्ट आना, यानी गंदे पानी में और इधर जाना, ताकि इनकी जो शेल की लाइफ है वो बढ़ सके। इस चित्र में हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सी, ये इसकी आउटर कवरिंग है जिसे हम टेस्ट कहते हैं, और इंटर्न सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्यूब फिट्स हैं इसके, आपको मैंने बताया पांच जोड़ी ट्यूब फिट्स होते हैं, और ये जो है ये इसका ट्यूबलाइट, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसका। ये जो माउथ है इसके चारों ओर ये टीथ होते हैं, और टीथ आप आपस में जुड़कर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे एरिस्टोटल स्केलेटन कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये आ रहा है, और ये एक माउथ के इधर एक रिंग के रूप में पाया जाता है। ये ग्रे पार्ट जो है ये इसकी आहार नाल है, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस और ये इंटेस्टाइन कॉइल्ड होके पूरे शेल में घूम के, और ये वापस ये रेक्टम रीजन है इसका, और ये फिर एनस है। उसके बाद ये इसके गोनाड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, राइट और ब्राउन कलर के, और ये जो है इसके इम्यून सेल्स अदर, और ये जो कैविटी है उसको हम कहते हैं पेरिविसरल सिलोमिक कैविटी। एम्बुलेक्रल कैनाल इज आल्सो प्रेजेंट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द शेल ऑफ द सी अर्चिन। मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रक्चर, द इंटरनल ऑर्गन्स, ये तो पिछली बार हमने देखा एक्सटर्नली उसमें कैसा दिखता है शेल एंड ऑल दी ट्यूब फिट्स एंड ऑल दैट। मस्क्यूलोस्केलेटल में हम इसका इंटरनल भाग देखते हैं, तो जनरली जो ये टेस्ट रीजन है ये बना होता है इसका शेल, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स
पाए जाते हैं। तो हार्ड शेल और टेस्ट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के बाद इसके अंदर एक पतली डर्मिस और एपिडर्मिस पाई जाती है। टेस्ट इज वेरी रिजिड एंड डिवाइड इनटू 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव्स सेपरेटेड बाय 5 इंटर एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। यानी शेल में 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव्स होते हैं और उनके बीच में इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज पाए जाते हैं। ईच एरिया हैज टू रोज ऑफ प्लेट्स, सो दैट सी अर्चिन इंक्लूड्स टेस्ट इंक्लूड्स 20 रोज ऑफ प्लेट्स इन टोटल। The plates are covered in round tubercles which contain the sockets to which the spines are attached by ball and second joints. तो इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो इसकी टेस्ट है, ये देखिए, ये जो है ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है और फिर ये दो ये इंटर एम्बुलेक्रल ग्रूव है। तो इस तरह से 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव होते हैं और 5 के अंदर ही हर 5 के बीच में इंटर एम्बुलेक्रल ग्रूव होता है और हर एम्बुलेक्रल ग्रुप में 2 प्लेट पाई जाती है। इस तरह से 5 में 2 है तो इस तरह से इंटर एम्बुलेक्रल टोटल 20 इसके प्लेट्स पाई जाती है। और ये आप छोटे छोटे छिद्र जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र है तो यहाँ से स्पाइन्स निकलती हैं। और ये देखिए ये जो पार्ट है ये एम्बुलेक्रल पोर्स है। तो ये जो प्लेट्स निकल ये जो छिद्र है इसे ट्यूब फिट निकलते हैं और ट्यूब फिट आपको मैंने बताया वॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े रहते हैं और सॉरी ट्यूब फिट नहीं स्पाइंस निकलते हैं, स्पाइंस जो निकलते हैं वो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े रहते हैं। तो काफी सारे स्पाइंस इसमें पाए जाते हैं। इनर सरफेस ऑफ टेस्ट इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। मोस्ट ऑफ स्पीसीज हैव टू स्पीसी, देखिए इस डायग्राम में हम देखते हैं, सी दिस इज द टेस्ट रीजन, बॉटम साइड है ये ओरल रीजन दिख रहा है, इसमें ये माउथ है और माउथ के चारों ओर ये एरिस्टोटल 5 प्लेट लाइक दांत दिखते हैं जिन्हें हम एरिस्टोटल की लैंकर कहते हैं। और ये देखिए एम्बुलेक्रल ग्रूव जो मैंने इस चित्र में दिखाए थे उसमें आप देखिए स्पाइंस निकलती हैं लगने से, कोई छोटी और कोई बड़ी। तो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं और ये माना जाता है कि इक्वेटोरियल रीजन में बड़ी होती हैं और पोल्स पर छोटी पाई जाती हैं। और ये जो स्केलेटन है ये स्पाइंस जो जुड़ी हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। और दिस इज द पोडिया सराउंडिंग द माउथ और ये इसका ओरल साइड है यानी टॉप साइड है। यहाँ पे एनस है और अगेन ये स्पाइंस है और एनस के चारों ओर गोनोपोर्स हैं और एक जेनाइटल प्लेट, ये जो एनस के चारों है वो जेनाइटल प्लेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुख के चारों ओर तो दांत पाए जाते हैं जिसे एरिस्टोटल लेंटर्न कहते हैं और एनस के चारों ओर जेनाइटल प्लेट पाए जाते हैं और गोनोपोर पाए जाते हैं। स्पाइंस ज्यादातर हॉलो और सिलिंड्रिकल खोखली और बेलनाकार होती है। गति, सी अर्चिन्स मूव बाय वॉकिंग यूजिंग देयर मेन मेनी फ्लेक्सिबल ट्यूब फीट, इनमें बहुत सारे फ्लेक्सिबल ट्यूब फीट जाते हैं इसकी मदद से ये गति करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फेवरेट वॉकिंग डायरेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, कहीं भी ये वॉक किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। ट्यूब फीट जो है जैसे वॉकिंग में किस तरह से मदद करते हैं कि ये क्या करते हैं जो पोर्स हैं टेस्ट में उनसे ट्यूब फीट बाहर निकलते हैं और कैसे निकलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रूप में काम करते हैं कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है फूड वाटर वैस्कुलर सिस्टम में जब पानी अंदर आता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसके प्रेशर बढ़ने के कारण पानी के कारण प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो ट्यूब फीट है वो बाहर निकल जाते हैं और सतह से चिपकते हैं और एनिमल गति करता है। और जब सी अर्चिन को रुकना होता है तो उसका पानी बाहर आ जाता है और ट्यूब फीट अट्रैक्ट हो जाते हैं यानी अंदर चले जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर की थ्योरी पर ये गति करते हैं। ज्यादातर काइनोडर्म्स इसी तरह से गति करते हैं, इसीलिए इनका गति का जो स्पीड है मोशन की जो स्पीड है वो बहुत धीमी होती है, फास्ट गति ये नहीं करते हैं। ड्यूरिंग लोकोमोशन ट्यूब फीट आर असिस्टेड बाय द स्पाइंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर पुशिंग द बॉडी अलोंग और टू लिफ्ट द टेस्ट ऑफ द सब्सट्रेट। गति में ट्यूब फिट के साथ साथ ये जो इसकी स्पाइंस है वो भी हेल्प करती है सो दैट
वो आराम से बॉडी को आगे की ओर धकेल सके, या जो इनकी टेस्ट है उसको सबस्ट्रेटम से या सबस्ट्रेट से उठा सके। और ज्यादातर गति सी अर्चिन भोजन के लिए करते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, माउथ ओरल सरफेस के सेंटर में पाया जाता है, और माउथ के पांचों चारों ओर पांच कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम टीथ कहते हैं, और अंदर की तरफ एक फ्लैशी टंग नजर आती है, सराउंडेड बाय लिप्स ऑफ सॉफ्टर टिश्यू विथ न्यूमरस स्मॉल एम्बेडेड बोनी पीसेस। दिस एरिया इज कॉल्ड एज पेरिस्टोम, मैंने आपको पहले बताया था। द जॉ अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ फाइव स्ट्रॉन्ग एरो शेप प्लेट्स नोन एज पिरामिड्स। जॉ अपैरेटस पांच प्लेट्स का बना होता है, जिन्हें हम दांत जैसी आकृति होती है जिसे पिरामिड कहते हैं। वेंट्रल सरफेस ऑफ ईच टूथ बैंड विद अ हार्ड टूथ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द माउथ। हर टूथ के वेंट्रल सरफेस पर हार्ड टूथ पाया जाता है, उस जो सेंटर को पॉइंट करता है। कुछ स्पेशल मसल्स जुड़े रहते हैं इनसे, जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन और दांत के बाहर आने के जो एक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे एनिमल पकड़ सकता है अपनी सबस्ट्रेटम को, अपने प्रे को या सतह को कुरेद कर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, और अपने जो भोजन है उसको चीर फाड़ करके चबा सकता है। और ये पूरा ऑर्गन कहलाता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न। इस खूबसूरत डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये इसके लिप्स हैं, ये पांच इसके टीथ हैं, और ये अंदर इसकी मस्कुलर टांग है। तो ये किस तरह से इसका मूवमेंट होता है ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं। और ये डायग्राम शो कर रहा है, देखिए ये पांच टीथ हैं जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं, टूथ है, और ये मसल्स हैं, ये पूरा टीथ है, पॉइंटेड है, और ये मसल्स हैं जो इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। इस एनिमेशन में आप देखिए कि किस तरह से इसके जो माउथ है वो ओपन हो रहा है, और ये पांच टीथ आपको क्लियरली दिखते हैं कि किस तरह से ये पांच टीथ बंद होते हैं और खुलते हैं, और किस तरह से मस्कुलर उससे इसका ये एरिस्टोटल लेंटन कार्य करता है। नाउ लेंटर डाइजेस्ट फीडिंग एंड डाइजेशन। तो नेक्स्ट पार्ट है कि जब मुख के चारों ओर ये टीथ और टंग पाई जाती है, उसके बाद ये जो एरिस्टोटल लेंटन है वो छोटी ईसोफेगस में ले जाता है, और जो लेंटन है वो माउथ कैविटी और फेरिंग्स को घेरे रहता है। फेरिंग्स ओपन्स इनटू द ईसोफेगस। तो फेरिंग्स, जैसा कि हर एलिमेंट एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल में हम देखते हैं, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है पीछे की ओर जाकर छोटी स्मॉल छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है, और एक सीकम में खुलती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक पूरा गोलाकार संरचना, पूरा पीछे से घूमकर एक पूरा सर्कल बनाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है। लार्ज इंटेस्टाइन अपोजिट डायरेक्शन में इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू रेक्टम, और रेक्टम ओपन्स इनटू एनस। सी अर्चिन्स मेनली एल्गी में फीड करते हैं, ज्यादातर ये हर्बीवोर्स होते हैं, पर फिर भी कुछ एनिमल्स जैसे कुकुम्बर्स, सी कुकुम्बर्स, समुद्री खीरा, मसल्स, पॉलिकी, स्पॉन्जेस, ब्रिटल स्टार्स, इन पर भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा मैंने आपको समझाया, ये माउथ है, माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू ईसोफेगस, फिर ये इधर की तरफ घूम जाती है टेस्ट में अंदर की तरफ, देखिए बड़ी सी कॉइल है। तो दिस इज ओरल एंड अब ओरल इंटेस्टाइन, पहले ओरल इंटेस्टाइन, फिर घूम के अब ओरल इंटेस्टाइन, और फिर ये पीछे की ओर घूम के लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे पूरा घूम के टेस्ट में सर्कल बना के देन इट गोज इनटू दी यहाँ से पूरा घूम के ये यहाँ आई, दिस इज द रेक्टम पार्ट एंड दिस इज द एनस। एक बार फिर देखते हैं, माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये ईसोफेगस, फिर इधर घूम गई स्मॉल इंटेस्टाइन,
और फिर इधर लेफ्ट में आके लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन ये वापस घूम के कॉइल होके ऊपर रेक्टम, एंड देन दिस इज द एनस। डाइजेशन, डाइजेशन अकर्स इन द इंटेस्टाइन विद द सीकम प्रोड्यूसिंग फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन के पास ही एक छोटी सी सिंगल सीकम पाया जाता है, तो सीक जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया होती है और सीकम भी एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। एन एडिशनल ट्यूब कॉल्ड द साइफन रन्स बिसाइड्स मच ऑफ द इंटेस्टाइन ओपनिंग इनटू इट एट बोथ एंड्स। इट मे बी इन्वॉल्वड इन रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक छोटी सी साइफन जैसी ट्यूब होती है इंटेस्टाइन के पीछे, जहां पर पानी का जो भोजन में पानी रह जाता है इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। Circulation. Sea urchin possess a hemal system with a complex network of vessels and in the mesenteries around the gut. इनका जो circulatory system है, वो इनके water vascular system के साथ ही चलता है। Circulatory fluid contains the general body cavity siloam. Siloam में fluid होते हैं और उसमें phagocytic siloamocytes पाए जाते हैं। Siloamocytes इनके water vascular system के through move करते हैं और एक गैस के विनिमय में यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो और सेकेंडली सिलोमोसाइट्स ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। दे आल्सो कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्टिवली रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी थ्रू द गिल्स एंड ट्यूबफिट। सिलोमोसाइट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह भी काम करते हैं और वेस्ट को इकट्ठा करके बॉडी के थ्रू गिल्स और ट्यूबफिट के द्वारा एक्सक्रीट भी करने में हेल्प करते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू पार्ट है यही इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, यही इसका एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये इसकी रिंग कैनाल है और रिंग कैनाल ओपन्स इनटू दिस इंटरनल एम्प्यूले ऑफ इंटरनल, ये सारे एम्प्यूले और ये इसकी आउटर रेडियल कैनाल है। रेस्पिरेशन, सी अर्चिन्स में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। जनरली 5 पेयर के एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं माउथ के चारों ओर पेरिस्टोरियल मेम्ब्रेन में। सी ये जो है थिन वॉल प्रोजेक्शंस होते हैं एंड फ्लूइड कैन बी पंप थ्रू द गिल्स इंटीरियर्स बाय मसल्स एसोसिएटेड विद द लैंटर। तो जो मसल्स लैंटर्न के हैं वो ही पानी को गिल्स की तरफ धकेलते हैं, पर कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता जब एनिमल में इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। जब एनिमल लो ऑन ऑक्सीजन हो जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें, तो ये पानी का फ्लो गिल्स के थ्रू होता है और ऑक्सीजन ये ग्रहण कर लेते हैं। ट्यूबफिट भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं और इन सम सी अर्चिन्स दैट इज हार्ट अर्चिन्स एंड सैंडलर्स ट्यूबफिट प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं क्योंकि इनमें गिल्स नहीं पाए जाते, पर सी अर्चिन में तो गिल्स ही कार्य करते हैं। और ट्यूबफिट ऑफ इज आल्सो डिवाइडेड विद सेप्टम व्हिच रिड्यूसेस डिफ्यूजन बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग स्ट्रीम्स ऑफ फ्लूइड। तो इन एनिमल्स में दैट इज हार्ट अर्चिन में जहां पे ट्यूबफिट रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करते हैं ऑर्गन्स का, वहां पर ट्यूबफिट में एक खाच पाई जाती है जिसके कारण डिफ्यूजन होता है। चित्र में आप देखिए ये तो माउथ कैविटी है, ये एरिस्टोटल लैंटर है और इसके पास ये पेरिस्टोमल प्लेट आपको मैंने पिछले डायग्राम से बताई थी। तो ये जो है पेरिस्टोमल, ये जो है ये इसके गिल्स हैं, लार्ज स्पाइंस और ये लार्ज माउथ है ये इसका। तो माउथ के पेरिस्टोमल प्लेट में गिल्स पाए जाते हैं, 5 जोड़ी, ये देखिए सारे गिल्स हैं, 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। थैंक यू।